जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह कैसे करें। तुलसी जी का विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह की पूर्णिमा तक आप कभी भी करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह सभी दंपत्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य ही कराना चाहिए। यदि आप प्रतिवर्ष तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुलसी जी का विवाह कराने से हमें कन्या के विवाह जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि जिन दंपत्ति की कोई संतान नहीं होती उनके घर की देहरी कुंवारी रह जाती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। उन दंपत्ति को अपने घर पर तुलसी जी का विवाह कम से कम एक बार जरूर कराना चाहिए और तुलसी जी की पूरे धूमधाम से विदाई करनी चाहिए। वैसे तो तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से ही कराना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। परंतु यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप अपनी पड़ोस से शालिग्राम लाकर करा सकते हैं। यदि आपके पड़ोस से भी शालिग्राम की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप मंदिर से शालिग्राम लाकर विवाह करा सकते हैं। वह यदि आपको वहाँ से भी शालिग्राम जी नहीं मिल रहे हैं तो आप भगवान विष्णु जी की फ़ोटो या प्रतिमा से विवाह करा सकते हैं। वह यदि आपके पास फ़ोटो या प्रतिमा भी नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी के स्वरूप श्री कृष्ण जी से ही तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं तुलसी जी का विवाह कैसे कराते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा आपको अपने घर के आंगन में ही कराना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आंगन की अच्छे से सफाई कर लें, फिर पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालें। वह जहाँ पर आप तुलसी विवाह के लिए मंडप लगाना चाहते हैं वहाँ का शुद्धिकरण कर लें। वह फिर गन्ने की सहायता से मंडप बनाएं। वह मंडप के अंदर की जमीन पर रंगोली या मांडा बनाते हुए उसे अच्छे से सजाएं। वह फिर वहाँ पर तुलसी जी के गमले को स्थापित करें। यदि आपके पास पहले से ही तुलसी जी है तो आप उनका विवाह करा सकते हैं। वह यदि आपके पास तुलसी जी नहीं है तो आप नई तुलसी लाकर उनका विवाह कराकर उनकी विदाई कर सकते हैं। इसके बाद आप मंडप में भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की चौकी पर स्थापना करें। वह साथ ही प्रथम पूज्य गणेश जी को भी स्थान दें। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। इसके लिए अष्टदल कमल बनाएं, वह उसके ऊपर कलश रखें। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, लौंग व गंगा जल की कुछ बूंदे डालें। इसके बाद कलश को कंठ तक पानी से भर दें। वह फिर कलश पर पंचपल्लव के रूप में आम या अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद पंचपल्लव के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। इसके बाद आप एक दीपक पूर्ण पात्र पर रखें। देखिए, कार्तिक माह में दीप कलश का बहुत ही महत्व माना जाता है। दीप कलश को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप दीप कलश ही जलाएं। इसके बाद आप कलश पर स्वास्तिक बनाएं, वह फिर पंचपल्लव व दीप कलश के दीपक की हल्दी कुमकुम की सहायता से पूजा करें। इसके बाद हम गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। वह फिर एक देसी घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी के सामने रखेंगे। वह फिर हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे। विवाह की सभी रस्में ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि हमारे घरों में सामान्य विवाह की रस्में होती है, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, वरमाला, फेरे और फिर सबसे आखिरी में विदाई होती है। सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे। इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी, चंदन डालें, वह उसमें कुछ बूंदे दूध की डालें और फिर पहले गणेश जी को, फिर भगवान विष्णु को 5 बार, 7 बार या 11 बार हल्दी लगाएं। इसके बाद तुलसी जी को 5 बार, 7 बार या 11 बार हल्दी लगाएं। वह फिर गंगा जल के छींटे लगाकर भाव रूपी स्नान कराएंगे। इसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र रूपी जनेऊ समर्पित करेंगे। वह फिर शालिग्राम जी को पीले रंग के वस्त्र समर्पित करेंगे। यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं हैं तो आप जनेऊ या मौली, जो भी उपलब्ध हो, आप उनको समर्पित करें। वह फिर हम तुलसी जी को चुनरी अर्पित करेंगे। तुलसी जी को हम लाल रंग की चुनरी ही अर्पित करेंगे। वह फिर तुलसी जी को व शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे। पहले हम शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे, वह फिर तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। मेहंदी लगाने के बाद हम तुलसी जी को पूरे 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे। तुलसी जी को हरे या लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाएं। यदि आपकी तुलसी बहुत छोटी है तो चूड़ियों को पास में रख दें। वह यदि तुलसी बहुत छोटी नहीं है तो आप चूड़ियाँ पहना भी सकते हैं। इसके बाद तुलसी जी को वस्त्र अर्पित करें। वह आपने जो भी दान करना चाहते हैं वो तुलसी जी को समर्पित करें, जैसे कि वस्त्र, अनाज इत्यादि, आपके पास जो भी है वो तुलसी जी के पास रखें। इसके बाद हम तुलसी जी को, भगवान विष्णु को, गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे। इसके बाद वरमाला की रस्म के लिए आप फूलों से बनी हुई माला ही लें। वह पहले माला शालिग्राम जी को स्पर्श कराकर तुलसी जी को पहना दें।
वह फिर दोबारा से दूसरी माला तुलसी जी को स्पर्श कराकर शालिग्राम जी को पहना दे। वरमाला के बाद हम गठबंधन करेंगे। गठबंधन के लिए आपने जो पीले रंग का वस्त्र भगवान शालिग्राम को अर्पित किया था, उसके एक कोने को तुलसी जी के चुनरी के एक कोने से गांठ बांध देंगे। गांठ बांधते समय हम गांठ में हल्दी की गांठ रखेंगे। वह यदि आप चाहते हैं तो आप मौली की सहायता से भी गठबंधन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार गठबंधन करें। गठबंधन कराने के बाद अब आप फेरे कराएंगे। फेरे कोई महिला न कराए, इसके लिए आपके घर में कोई भी पुरुष हो वह फेरे करा सकते हैं। शालिग्राम जी को पुरुष अपनी गोद में उठाए, वह फिर दक्षिणावर्ती घूमते हुए 7 फेरे कराए। दक्षिणावर्ती यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में। फिर फेरे कराने के बाद तुलसी जी वे भगवान शालिग्राम जी की जगह आपस में बदल दें। जहाँ पर पहले तुलसी जी बैठी थी वहाँ पर शालिग्राम जी को स्थापित करें, वे जहाँ पर पहले शालिग्राम जी बैठे थे वहाँ पर तुलसी जी को स्थापित। फेरों के बाद तुलसी जी भगवान विष्णु के दाहिनी तरफ आ जाएगी। फेरे कराने के बाद सिंदूरदान की रस्म करेंगे। इसके लिए कोई भी चांदी का सिक्का या अंगूठी ले, उसमें सिंदूर को ले, वे शालिग्राम जी का स्पर्श कराकर तुलसी जी को सिंदूर का दान। ध्यान रहे कि सिंदूर नया होना चाहिए, उपयोग किया हुआ सिंदूर दान ना करें। वह इस सिंदूर को आप तुलसी जी की विदाई के समय तुलसी जी के साथ ही दे दें। इसके बाद आप यदि मंगलसूत्र लाए हैं तो भगवान शालिग्राम का स्पर्श कराते हुए तुलसी जी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। इन सारी रस्मों के अब आप भोग लगाएंगे। भोग में पान को जरूर समर्पित करें। यदि आप मीठा पान लाए हैं तो मीठा पान समर्पित करें, व यदि आप मीठा पान नहीं लाए हैं तो पान के पत्तों पर हल्दी पताशा रखकर समर्पित करें। वह साथ ही आप मिठाइयाँ अवश्य ही समर्पित करें। मिठाइयों में पीली मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू जरूर समर्पित करने चाहिए, एवं साथ ही मौसमी फल भी समर्पित करें। मौसमी फलों में आंवले का बहुत महत्व होता है, आप भगवान विष्णु को आंवला अवश्य ही समर्पित करें। वह साथ ही पंचमेवा भी जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम जल समर्पित करेंगे, वह फिर हम दक्षिणा भी समर्पित। इसके बाद हम थोड़े से तिल हाथ में लेकर तुलसी जी विवाह की कथा सुनेंगे। वह साथ ही हम इन तिल को कथा सुनने के बाद शालिग्राम जी के चरणों में छोड़ देंगे। इसके बाद आप तुलसी की 11 बार दक्षिणावर्ती परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप कपूर जलाकर तुलसी जी की आरती करें। यदि आप चाहते हैं तो आप दीपक से ही आरती कर सकते हैं। तुलसी जी की आरती के साथ ही गणेश जी और शालिग्राम जी की आरती भी जरूर ही करें। इसके बाद आप हाथ जोड़कर विवाह में रही कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे व अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से आप सरल विधि से घर पर तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के बाद पूर्णिमा के बाद कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देखकर तुलसी जी की विदाई करनी चाहिए। विदाई करते समय तुलसी जी की 16 श्रृंगार का सामान, वह हमने जो भी प्रसाद चढ़ाया था सभी प्रसाद, वह गठजोड़ा, जो भी चीज़ें आपने समर्पित की हैं उन सभी को तुलसी जी के साथ ही दान करें। यदि आप चाहें तो तुलसी जी को मंदिर में दान करके आ सकते हैं। यदि आप चाहें तो किसी भी जल निकाय के किनारे पर दान कर सकते हैं। वे यदि आप चाहें तो आप जिसको भी बहुत मानते हैं, जिसके की चरण स्पर्श करते हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। आपको तुलसी जी की विदाई में कम से कम 5 बर्तन जरूर दान करने चाहिए। तुलसी जी की विदाई करने के बाद समय समय पर जाकर तुलसी जी को देखते रहे कि तुलसी सही से है या नहीं है। कहते हैं कि अपने जीवन में प्रत्येक दंपत्ति को कम से कम एक बार तुलसी जी की विदाई जरूर करनी चाहिए। इस तरह से आपका तुलसी विवाह व तुलसी विदाई संपन्न होती है। आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।